जय जगन्नाथ। प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु केवा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हेउ। ये शब्द अनंत शब्द भावर शब्द आकु शुणिला बेळकु आपणक मन भितरे जो नाटी झंकृत होउथिबो से आउ के नुहंते भीम भोई रेढ़ाखोल निकटरे गोटे कंधपल्ली रे से जन्मग्रहण करिथिले 19 शताब्दीर प्राय मध्य भागरे बोली विचार करा जाए। छोट पिला कंध बस्ती रे अभाव अनाटन भितरे से बड़ हुआ हेले भगवान जोति पाई जहाँ को गढ़ी चंती जहाँ भितरे जहाँ संस्थापन करी चंती सीए तार बेल हेले निश्चय फुटिबो बास चहटिबो से जेते बासना फूल होई थाउ जेतेबेले कढ़ होई थाए ना सेथिरु बासना बाहरे नाही जेतेबेले से फुटे बासना बिछुरित हुए। कंध पिला जंगल रे बुलले गाई चरेले भूक उपास रे दिन भी काटिले किंतु मन भितरे से जो प्रकृतिर आवेदन सेटा जमी झंकृत हला से परे लिखिचंती बुलू थाई बने नीति प्रतिदिने बत्सा को संगते घेनी क्षुधा तृषा हेले जीवन बिकले पीऊ थाई झर पाणी देहर क्षुधा तृषा ताकू मेंटेबा पई झरणार पाणी पीले सिना हेले अंतर भीतर जो क्षुधा जो तृषा सी केमिति मेंटिब। चार वर्ष होते मन भितर रेखापात करने आध्यात्मिकतार तड़लता को खेल दवापाई दर्शन दौंती कि ना उल्लेख गोसाई से परे स्तुति चिंतामणी कौन लिखिले चारि वर्ष संपूर्ण समय रे देखा देला ज्येष्ठ मासे निर्वेद कर्मे जोगी पुत्र गोटिए भ्रमुथिले ग्राम देशे कसा कौपिन चढ़ाई से पुणी दिशुथंती अपरछन बेनी भुजरे प्रत्यक्ष देखी अछि थिला शंख चक्र चिन्ह। छोटिया छुआ चार वर्ष बयस किंतु जहाँ भितर आध्यात्मिकतार झलक अच्छी सी तो दुईपत्र बासब तुसी दुईपत्र बासला जहाँ को देखुं अपरिच्छन्न रूप किंतु पाखरे से शंख चक्र चिन्ह देखले तापर मन निश्चित भाव गोटे अन्य आड़ को चल कथा ला गुरु एवं शिष्य परस्पर को खोजु था गुरु शिष्य को खोजती शिष्य गुरु को खोजती क्या सांगे कहार मिलन हम से विधि निर्दिष्ट जीए जो गोठर गाई से गोठ को जीव दस घर गाई जाइए चरिया को फिर बेलू जीए जो गुहाल को जीवा कथा से पलब अड़ेवा दरकार पड़े ना सेमती भीम भोई से कौटिकी जीवे
ना अलेख गोसाई मार्ग जीवे है वेशभूषा को तांकर न देखी तांकर कौन दिशिला ना शंख चक्र चिन्ह दिशिला सात वर्ष रु बार वर्ष है से कथा कौन लिखुंट सप्त बरस रु अष्टम नवम दशम एगार है सप्त बरस रु अष्टम नवम दशम एगार है बार बरस रु बत्सा संगरे बने बुनी बने बुली दिन गला बत्सा सागर बने बुले किंतु देखिले कौन ना प्रकृतिर माधुर्य देखिले तांकर जो पुस्तक ब्रह्म निरूपण गीता लिखिंट से कौन अंध प्राय दिशु थाई नुहे नेत्र अंध तेणु से ज्ञानांध बोली कही कही कहते अज्ञान अंधत्व संपर्क से सचेतन थिले रहिले कोठी बुलिले तो बहुत आड़ किंतु रहिले कोठी सोनपुर खलियापाली गोटे जगह सेठी तांकर जीवन अतिवाहित होला सेठी तांकर बे समाधि भी अच्छी आउ तांकर समाधि पाखरे पत्नी अन्नपूर्णांकर समाधि भी अच्छी समधर्मी माने से माने ब्राह्मण्य धर्म को जगन्नाथ को अनेक तांकर भीतर मानु नथिले किंतु भीम भोई गोटे ब्राह्मण घर झीव को बाहाइथिले अन्नपूर्णा तांकर समाधि सेठी अच्छी आदि अन्नपूर्णा भावरे तांको कहा जाए दुख कष्ट सहिकिरी से निरुत्साहित तो ही नहंती कहीं ना तांकर क्षुधाटा भिन्न तृषा भिन्न तेणु ताकु से खोजुचंती ये साधारण खाइबा पीवा पिंधिबा ये सबु भितरे से बांधी ही नांती से संसार धर्मी आउ जीवन धर्मी तांकर चिंताधारा संसार एवं सन्यास ये दुईटीर गोटे मधुर मिलन तांक मन भितरे तापरे मतांधतार बसवर्ती से नथिले महिमा धर्मर श्रेष्ठ पुरोधाए हेथिले मध्य हिंदू धर्मर संस्कृतिर जगतर नाथ जगन्नाथ पाखरे ताकर गभीर सम्मान और भक्ति थिला से कौन पाई ना से थरे गोटे स्वप्न देखिले से स्वप्न रे जगन्नाथ तांको कहुचंती भक्त भीम तुमर शिष्य मानक संगे आसिकरी मते टिके श्री क्षेत्र रे दर्शन कर आ भक्त मानको स्वप्न एस कथा जणैले आउ आसिले से आसिला बेले एटी लिखित कथा नुहे पोथिरु संजय को मिलिथिबा कथा सी गोबरी कूले कूले आसिले गोबरी देवी रो संगम स्थल रे पहुंचिले से संगम रे नदी होची उत्तर वाहिनी आमर जहाँ शास्त्र कहंती जे भारत खंड रे जोठी नदी उत्तर वाहिनी सेठी सी गंगा फल दिंते तेणु एटी काकटपुर ठार उत्तर बाहन हो नदी बही सेठी गोबरी संगम हो गोबरी हूँ गोवर्धन ऋषि तर्पण जलर सृष्टि नदी से जो संगम से पहुँचले शांत क्षेत्र रात्रि जापन कले भारी भल लगला जहा पोथी कहते शून्य पोथी जहाँ मिली संजय को से कौन कहले ना से चिंता कले भक्त शिरोमणि भीम भई चिंता करुचंती प्रभु इत्ती सुंदर बासना मधुर बासना ए माटीर तुम्हें प्रभु ये विराजमान कर न था
मुटिये तुमको दर्शन करथांदी। मन भितरे ए छोटिया स्वप्न ता पर दिन हैला आगो को बढ़िले अलका नदीर कूले कूले सेठू श्रीक्षेत्र को गले। श्रीक्षेत्र रे कौन हैला नेतले पहुंची गले किछि पंडा पढ़ियारी तांकु श्रीमंदिर रे पुरै देले नै जेतेबेले न देले से जगन्नाथंकर स्वप्न कथा मन पकेले। एका थिले कथा अलगा ठाकुरे कहिजंदि तू शिष्य मानकु धरिकिरि आ मो श्रीक्षेत्र मंदिर पाखरे ठिया हेइचंदि नीलचक्र अनैचंदि एमाने तांकु जिबाकु दउनांति। शिष्य माने कौन भावुथिबे कौन हब जदि फेरी जानती ताहले कौन हब ये सबू चिंता तांको मन भीतर को घारिला। से किंतु स्थिर धीर रहीकि कौन कले ना प्रभु को जनइले मत तो डाकिल मु आसिली एबे माने मत छाड़ू ना तमें कौन मत दर्शन दब नहीं शून्य को चाहिले हाथ जोड़ी देकर शून्य को जितने चाहती प्रभु को दर्शन भिक्षा करती प्रभु शून्य रे विजय हो गले विस्तारित हो गला तांकर बपु विस्तारित हला चक्षु जीए सेठी थिले भीम भोईं सहित तांको भक्त मंडली पंडा पढ़ियारी समस्ते शून्य रे दर्शन कले प्रभु को समस्ते प्रणिपात कले प्रभुंकर ए मधुर परिव्याप्त रूपरे विमुग्ध हो गले समस्ते। हेले पंडा पढ़ियारी थरिबाकु लागिले राजा दिव्य सिंहदेव सेतेबेले ये नुहंती सेतेबेले राजा दिव्य सिंहदेव सी आसिकिरी भक्तंको प्रणाम करिकिरी कहिले आपण मंदिर भितरकु चालंतु। दर्शन पाइला परे भक्त आउ कौन मंदिर को जीव से सेठी ठिया ही रहिले पुणी प्रणिपात कले बार बार प्रभु अंतर्हित ही जाइछंती किंतु तांकु लागुची सबुठी जमिति से पूरी रहिछंती सकल घटरे पूरी रहिछंती नीलचक्रंकु से प्रणाम करुछंती कौन करी से डाकिले तांकु जोग निद्रा तेज गुरु उठ उठ आसनरु दंड प्रलम्बित दुरु थाई कबाट दुआरु भणे भीम अज्ञान पामर उठ हे स्वामी ब्रह्मांड ठाकुर उठ 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 हे स्वामी ब्रह्मांड ठाकुर। यही कथार ठाकुर न रही पारिकी आसिले से दर्शन कले आउ राजा कहिला परे गले नाही कारण प्रभु का दर्शन सरी जाइछि जो से आसते तापर कौन खोजंदी वेद बखाणुची शास्त्र रे रहीची नियत प्रमाण सत नीला चले प्रभु विराज करते नीलगिरी जगन्नाथ अनुसरी बहु दूर आशा करी हृदय पद्मरे चिंती मौनरे बसी नाम बोलाइल दारु प्रतिमा मूर्ति। तेणु प्रभु को शून्य रे दर्शन करिथिबा शून्य रे अन्य समस्ते तांको पई जो दर्शन पाइले से जो मुग्ध मुहूर्त ताकु तो भूलि हेब नै तेबे से शून्य पुरुष बोली जे प्रमाण दे देले सी होती भीम भोई। भक्त अंतरहित हेले भी फूल जेमिति झरी गले भी तार बासना अनंत अमर सेमिति भीम भोई जो तत्व देचंती जगन्नाथंकर भक्ति सहित से सारा जगत को जो वार्ता देचंती से होची अमर वार्ता। मो जीवन पछे नर्के पड़ी था जगत उद्धार हो।
जय जगन्नाथ।